गोरखपुर राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय के 3 शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाने के विरोध में डीएम कार्यालय पर छात्रों ने घेराव कर लिया। दृष्टिबाधित छात्र शिक्षकों के स्थानांतरण के निरस्त किए जाने की मांग कर रहे थे। मांगे नहीं सुनी जाने पर अचानक ये छात्र नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। मुख्य गेट पर शोर हंगामा करते हुए गेट की बाउंड्री का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर एसडीएम और अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने भी इन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं माने। फिलहाल सभी धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रों ने बताया। मेन मुद्दा हम लोग का बस यही है सर, जो हमारे यहाँ से टीचर पढ़ाने का बोला है उसकी वजह से हम लोग का पढ़ाई हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ भी नहीं कर लेंगे और हम लोग का जो भोजन व्यवस्था वो भी ठीक बिल्कुल भी ठीक है। कि जो 3 टीचर ट्रांसफर हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और जो हमारा स्टाइपेंड है 2000 रुपए हमें प्रतिमाह मिलता है उसको बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4000 रुपए करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चटनी चावल और नाश्ते में क्यों लेके 2-2 बिस्किट खा के जी रहे हैं। कभी कभी नाश्ता भी नहीं करते, चाय भी नहीं पीते और हमें दोनों से सारा काम लेना पड़ता है। दान वाले आते हैं तो हम लोग खा पाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जितने प्रिंसिपल के चमचे हैं उनका ट्रांसफर प्रिंसिपल नहीं करा रहा है, लेकिन हाँ प्रिंसिपल के चमचे का नाम है राजकुमार यादव। उमेश चंद्र, मेरा नाम उमेश चंद्र।